अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी छोटी है या अलग है लोगों से, तो ज़रा इन जानवरों को देखो और अनुभव कीजिए कि कैसे एक शिकारी जानवर शिकार से डर के भाग जाता है जब वो पलटवार करते हैं। ईगल बर्ड वर्सेस स्लॉट। आपको बता दूं कि स्लॉट एक बहुत ही आलसी और सुस्त जानवर होते हैं जो सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये अपना पूरा दिन लगभग सोते हुए बिता देते हैं और अपने सुस्ती के कारण ही ये जानवर बहुत बार दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। पर जब एक बार ईगल ने स्लॉट को देखा तो उसे भी लगा कि स्लॉट का शिकार वो आराम से कर देगा, पर अपनी जान बचाने के लिए इस स्लॉट ने उसे ऐसा वार किया कि ईगल ने हार मान ली और वापस उसने कोशिश भी नहीं की स्लॉट का शिकार कर सके। एंट ईटर वर्सेस जैगवार। एंट ईटर एक ऐसा जानवर है जो चींटियों को खा के अपने आप को जिंदा रखता है, पर क्या ये एंट ईटर जैगवार को टक्कर दे सकता है? देखिए, जब एक जैगवार एंट ईटर के शिकार करने आया तो कैसे एंट ईटर ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि एंट ईटर का शिकार जैगवार नॉर्मली करते हैं, पर जब ये एंट ईटर ने झपट्टा मारा तो एक बार तो जैगवार पीछे हुआ, पर जब दूसरी बार हुआ तो जैगवार हड़बड़ा कर हार मान लिया। हनी बैजर वर्सेस लेपर्ड। हनी बैजर अफ्रीका और एशिया में मूल रूप से पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं पर इनकी लड़ने की हिम्मत कमाल की होती है। काफ़ी लड़ाकू प्रजाति के होते हैं। देखिए कैसे एक छोटा हनी बैगर को जब एक लेपर्ड ने दबोचा तो उसकी रक्षा के लिए कैसे उसकी माँ ने उस पर हमला किया। सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि उस हमले से लेपर्ड इतना डर गया कि वो उछल के साइड हो गया, बल्कि उस मादा हनी बैजर ने उसे काफ़ी दूर तक भगाया। लिजार्ड वर्सेस लेपर्ड। आप सोच रहे होंगे कि एक लेपर्ड और लिजार्ड का भला क्या मुकाबला, पर कोई नहीं दोस्त, पिक्चर क्लाइमेक्स तक ख़त्म नहीं होती। जब एक लेपर्ड ने बड़े आकार के लिजार्ड को देखा तो उसने सोचा कि उसका भोजन मिल गया, तो वो हल्का सा पंजा मारने लगा। उसे लगा कि लिजार्ड हार मान जाएगा, पर थोड़ा सब्र के बाद लिजार्ड ने भी अपने पंजे से लेपर्ड को मारने लगे, तो ये सिलसिला काफ़ी देर तक चला। ज़्यादा मार खाने के बाद लेपर्ड थक गया और लिजार्ड भाग निकला। हो गया ना कमाल। बियर वर्सेस पूमा। बियर की शक्ति तो सबको पता ही होगी। भालू बहुत ही खतरनाक जानवर में से एक है जो किसी का भी शिकार बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर भी काफ़ी बड़ा होता है। तो जब एक बार एक भालू को एक पूमा और उसका बच्चा दिखा तो उसने बच्चे का शिकार की कोशिश की, और शायद आप भूल गए कि बच्चे के साथ माँ थी और माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो भालू से भिड़ गई और भालू को ऐसा पंजा मारा कि वो भाग गया डर के। बैट वर्सेस स्नेक। ये बड़ा अनोखा लड़ाई लग रही होगी ना सुनने में, वैसे ही ये देखने में भी अजीब है, क्योंकि पता नहीं कैसे ये अजगर चमगादड़ को पकड़ लेता है अपने चुंगुल में, लेकिन चमगादड़ भी हार नहीं मानता। वो तब तक लड़ता है जब तक सांप छोड़ ना दे, फिर पता नहीं कैसे पर चमगादड़ कामयाब होता है छुड़ाने में अपने आप को और अपनी जान बचा ही लेता है। स्नेक वर्सेस रैबिट। जैसे कि सबको ही पता है कि सांप एक जहरीला और ख़तरनाक शिकारी होता है, पर खरगोश बहुत ही प्यारा जानवर होता है जो शायद ही शिकार करता हो। पर जब एक बार एक खरगोश के बच्चे को एक सांप ने जकड़ लिया तो तब खरगोश की माँ वहाँ नहीं थी, पर पता नहीं कहाँ से वो आ गई और सांप के ऊपर ऐसा झपट्टा मारा कि सांप वहाँ से भाग गया। कितना ही बड़ा शिकारी क्यों ना हो, पर जब एक माँ की बात आती है अपने बच्चे को बचाने की, तब माँ से बड़ा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। जैगवार वर्सेस ऑटर। वैसे जैगवार बहुत ही खतरनाक और बेहतरीन शिकारी माना जाते हैं, पर हर बार नहीं, क्योंकि जैगवार से भी गलती हो जाती है जिसका परिणाम फिर उसे भुगतना पड़ता है। जब वो ऑटर को जैगवार ने देखा तो उसे लगा कि वो अकेला है, जिसके कारण वो उसे दबोचने की कोशिश किया, पर ये गलती उसे भारी पड़ गई। पानी से पूरा झुंड बाहर आ गया और जैगवार पे हमला कर दिया, जिससे वो डर के भाग गया।